हेलो सर, आपका अपॉइंटमेंट तो कल का था ना? और आप आज? एक्चुअली मुझे ऑफिस काम से कल बाहर जाना है, इसलिए मैं आ जाती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। खैर, दूसरे पेशेंट के आने में थोड़ा वक्त है, तो कहिए क्या परेशानी है? मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और मेरी इच्छा हर रोज होती है, वैसे ही जैसे हनीमून के दौरान थी। देखिए, इच्छा होना या ना होना कोई बुरी बात नहीं, बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बाइक हर रोज रेडी नहीं होती, इसीलिए हम लोगों के बीच रोज झगड़े भी होते हैं। झगड़े होते हैं? That's not good. अच्छा, क्या आपने कभी अपने पार्टनर के साथ बैठकर इस बारे में डिस्कस किया है? मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो कहती है उसका मूड नहीं होता और वो उसे अच्छा भी लगता है। वो तो यहाँ तक कहती है कि मैं एडिक्ट हो जाऊँ, इसीलिए आपको डॉक्टर सलाह। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। देखिए सर, इच्छा होना करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी एक हेल्दी क्रिया है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर सकती है। देखिए, सिर्फ शारीरिक सुख की चीज नहीं होती है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हो सकते हैं। Really? जी हाँ, लेकिन इस क्रिया को आपको हेल्दी रहने के लिए करना है या फिर इसे आपको अपनी एडिक्शन बनाना है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं समझा नहीं। No issues. मैं आपको समझा रही हूँ। किन्जी इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक ये माना गया है कि 18 टू 29 इयर्स के लोग साल में औसतन 112 बार हैं, और वही 30 टू 39 इयर्स के लोग 89 टाइम्स करते हैं। ये एवरेज नंबर था जो हेल्दी भी माना गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपका पार्टनर आपका साथ देता है तो आप रोज भी कर सकते हैं। ओके। यहाँ आपको ये नोट करना बहुत जरूरी है कि हेल्दी और नॉर्मल तभी माना जाता है जब आप दोनों अपनी खुशी से इन्वॉल्व हों और इक्वली एंजॉय करें। ना एंजॉय करने वाला लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, एक महिला और एक पुरुष के शरीर की बनावट में बहुत फर्क होता है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी वाइफ हमेशा ही लुब्रिकेटेड रहे। महिलाओं का अक्सर सूख जाता है, घर्षण की वजह से पेन होने लगता है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि महिलाओं में जी होना कम हो जाता है। तो डॉक्टर, घर्षण को कम करने का कोई तरीका होगा? देखिए, इसके लिए आप लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर की खुशी के साथ ही करें, क्योंकि अगर आपका पार्टनर खुश है तो आपको शारीरिक सुख के अलावा और भी फायदे मिल सकते हैं। किस तरह के फायदे डॉक्टर? नींद आती है, आपका तनाव दूर होता है, और इस क्रिया से आपकी कैलोरीज बर्न होती है, जिससे आपको एक हेल्दी बॉडी मिलती है। और एक स्टडी के मुताबिक तो ये भी पता चला है कि जो लोग रेगुलर करते हैं उनका हार्ट मजबूत होता है, उन्हें हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम होती है, या फिर यूं कह लीजिए कि ये एक तरीके की एक्सरसाइज है। वाओ, इससे सिर्फ फायदे फायदे। देखिए सौरभ, हर अच्छी चीज के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ये तो आप मानते हैं ना? तो फिर रिस्की भी? बिल्कुल, अगर आपकी दिनचर्या के आड़े आ रहा है तो ये प्रॉब्लम ही है। हेल्दी लाइफ के लिए एंजॉय करना जरूरी है, लेकिन अगर आपका दिमाग हर वक्त में और कहीं और दिमाग नहीं लग पा रहा है तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपको इमोशनल या मेंटल कोई भी इशू है तो आप उसका डट कर सामना कीजिए, बजाय इसके कि आप अपने पार्टनर पर जबरदस्त हो। ओके, आप मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए, मैं आज ही अपनी वाइफ से इस बारे में बात करूंगा। गुड, आप चाहे तो सप्ताह में 3 या 4 दिन तय कर सकते हैं जिससे आपकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और आपको हेल्दी एंजॉयबल लाइफ भी मिलेगी। यस डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वेलकम।